उत्पत्ति अध्याय 16 उत्पत्ति अध्याय 16 इश्माएल की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। सो सारै ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो, मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझसे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की लौंडी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेल गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ताएल रोई रख कर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने आ रहा है? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआ पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। सो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था।